बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वेरोनिका। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी शुरू होती है 15 जून सन 1991 को, जहां हमें पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां दिखाई जाती है जो एक घर की तरफ बढ़ती चली जा रही हैं। अब ये सब के सब उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां से किसी लड़की ने कॉल किया था कि उसके भाई एंटोनिटो की जान खतरे में है, कोई उसे लेने के लिए आ रहा है। अब पुलिस देखती है कि उनके सामने एक लड़की है जो जोर जोर से चिल्ला रही है। यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी कि 3 दिन पहले, जहाँ वो लड़की जो चिल्ला रही थी, जिसका नाम वेरोनिका है, ये लड़की 15 साल की है, जो अपने 3 सिब्लिंग्स के साथ और अपनी मॉम के साथ रहती है। दरअसल उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उसकी मॉम को बार में लंबे वक्त तक काम करना पड़ता है ताकि वो अपने परिवार को पाल सके। अब क्योंकि वेरोनिका की मॉम जॉब करती है, इसीलिए वेरोनिका के छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, वही उन सब का ध्यान रखती है। वेरोनिका जब स्कूल जाती है तो उसकी टीचर बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है, और पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के दिन लोग बुरी शक्तियों को बुलाते थे, जिसके लिए वो लोगों को मारा करते थे। अब क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है, इसीलिए सब के सब बच्चे रूफटॉप यानी कि स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वेरोनिका अपनी 2 दोस्तों के साथ स्कूल के बेसमेंट पे जाती है। इनके पास वीजा बोर्ड होता है, वीजा बोर्ड से आत्माओं को अपनी दुनिया में बुलाया जा सकता है, और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उसकी दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को, जिसकी मृत्यु मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो गई थी, यहाँ पर बुलाना चाहते हैं। ये तीनों के तीनों वीजा बोर्ड के ऊपर एक ग्लास के कप को रखते हैं और उस कप के ऊपर अपनी उंगलियां रखते हैं। बाहर अब सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, और जिस कप के ऊपर इन्होंने उंगलियां रखी होती है वो धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से वेरोनिका की दोनों दोस्त अपनी उंगलियां हटा लेती है। लेकिन वेरोनिका की उंगली अब भी उसके ऊपर होती है, और कुछ ही देर बाद वो टूट जाता है, जिससे वेरोनिका की उंगली कट जाती है और उसका ब्लड वीजा बोर्ड के ऊपर गिरता है। वीजा बोर्ड पर आग लग जाती है, पर वेरोनिका कुछ न कुछ बड़बड़ा रही होती है, और वो अपनी दोस्त के कान में कुछ कहती है, जिससे उसकी दोस्त डर जाती है, और इसके तुरंत बाद वेरोनिका बहुत जोर से चिल्लाती है, जिससे बेसमेंट की सभी लाइट्स टूट जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वेरोनिका की जब आंख खुलती है तो वो स्कूल की नर्स के सामने होती है। वो वेरोनिका को बताती है कि हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है, इसीलिए तुम बेहोश हो गई थी। लेकिन वेरोनिका को पता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, और जब वो स्कूल से बाहर जाती है तो देखती है कि ऊपर से एक नन उसे देख रही है। अब वेरोनिका वापस अपने घर आ जाती है, और जब वो खाने की टेबल पर बैठती है और खाना खाने की कोशिश करती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे खाना खाने से रोक रहा है। साथ ही उसके शरीर पर अब अजीब से पंजों के निशान भी होते हैं। वेरोनिका को घर में अजीब अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। वेरोनिका को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, और एक दिन जब वो अपने छोटे भाई एंटोनिटो को नहला रही होती है, तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है, और जब वो बाहर ड्राइंग रूम में जाती है तो देखती है कि शैंडलर अपने आप ही जल बुझ रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, दरवाजा बंद हो जाता है। वो किसी तरह से दरवाजा खोलकर वापस अपने भाई के पास आती है, जो बाथटब में बैठा होता है, लेकिन बाथटब का पानी अब बहुत ज्यादा गर्म है, जिससे एंटोनिटो को बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो एंटोनिटो को बाथटब से बाहर निकालती है और देखती है कि उसके शरीर में गर्म पानी की वजह से रैशेज हो गए हैं। वो अपने भाई से माफी मांगती है, पर उसका भाई कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद वेरोनिका अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, और तभी हमें उसके कमरे में एक साय को दिखाया जाता है, जो वेरोनिका को देख रहा होता है। अब जब वेरोनिका अगले दिन स्कूल जाती है तो वो अपनी दोनों दोस्तों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी दोस्त उससे बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। वेरोनिका जानना चाहती है कि उसके साथ बेसमेंट में क्या हुआ था, इसीलिए वो बेसमेंट में जाती है, जहां पर पहले से वो नन होती है जो एक दिन पहले उसे ऊपर से देख रही थी। और हमें पता चलता है कि ये नन ब्लाइंड है। स्कूल में इस नन को डेथ सिस्टर के नाम से जाना जाता है, और वो वेरोनिका को बताती है कि तुम्हारे शरीर पर किसी डार्क स्प्रिट ने अपना कब्जा कर लिया है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। और इसके बाद नन उसके शरीर से उस बुरी शक्ति को, उस बुरी स्प्रिट को निकालने की कोशिश करती है,
पर वो ऐसा करने में पूरी तरह से फेल हो जाती है। वो वेरोनिका को कहती है कि जो तुमने शुरू किया है वो तुम्हें खत्म करना होगा। दरअसल जब भी कोई वीजा बोर्ड से किसी आत्मा को इंसानों की दुनिया में बुलाता है तो उसे वापस भेजने के लिए प्रोसेस को पूरा करना पड़ता है और आखिरी में गुड बाय भी कहना पड़ता है, तभी वो आत्मा वापस जाती है, नहीं तो वो इसी दुनिया में रह जाती है। और वेरोनिका और उसके दोस्तों ने इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया था, क्योंकि ना तो वेरोनिका और उसके दोस्तों को इस बात का पता था, और वैसे भी वेरोनिका पहले ही बेहोश हो गई थी। नन उसे कहती है कि तुम्हें अपने भाई बहनों का ध्यान रखना होगा। ये सुनने के बाद वेरोनिका को अपने भाई और बहनों की चिंता हो जाती है। वो घर आकर हर जगह पवित्र निशानों को ड्रॉ करके लगा देती है ताकि वो बुरी शक्ति से अपने भाई बहनों को बचा सके। उसी रात को जब वो चादर सुखा रही होती है तो देखती है कि सामने के घर पर एक परछाई है। वो डरकर भागकर अपने भाई के कमरे में जाती है, जहां पर उसे दीवार पर वो काला साया दिखता है जो उसे पहले देख रहा था। वो साया अपना हाथ बढ़ाता है और वेरोनिका ने जितने भी पवित्र निशानों के चिन्ह यहाँ पर लगाए थे उन सबको जला देता है, और इसके बाद वो उसके भाई पर भी हमला करता है। वेरोनिका डर कर अपने भाई को उठाती है और उसका भाई कहता है कि तुमने ही मुझ पर हमला किया था। वेरोनिका इस घटना से बुरी तरह से डर जाती है, इसीलिए वो तय करती है कि वो अपने भाई बहनों को अपने साथ ही सुलाएगी। और तभी उसे एक साया दिखता है और जब वो साये के पीछे जाती है तो देखती है कि वहां पर उसी तरह के और भी बहुत सारे साये हैं। वेरोनिका पवित्र क्रॉस उठाकर खड़ी हो जाती है, उसके भाई बहन भी उसके पास आ जाते हैं, और तभी दरवाजे के पीछे एक परछाई दिखती है जो दरवाजा खोलती है, और जैसी दरवाजा खुलता है तो देखते हैं कि वहां पर इनकी मॉम खड़ी है। दरअसल ये उनकी मॉम होती है जो नाइट शिफ्ट से घर वापस आई होती है। वो वेरोनिका को ऐसा करने से डांटती है, वो कहती है कि तुम ऐसा करने से अपने भाई बहनों को डरा दोगी। दरअसल उसे नहीं पता होता कि वेरोनिका के साथ क्या हो रहा है। अब जब वेरोनिका सो जाती है तो उसे बहुत ही खतरनाक सपना आता है, जिस सपने में उसकी ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। तभी वेरोनिका की आंख खुल जाती है, वो बाहर जाती है, और जब वो वापस अपने बेड पर आती है तो देखती है कि उसके बिस्तर पर ब्लड है, जिससे उसे पता चलता है कि उसका फर्स्ट पीरियड शुरू हो चुका है, क्योंकि उसकी उम्र अभी मात्र 15 साल है। अब वेरोनिका उस मैट्रेस को स्क्रब करना शुरू कर देती है ताकि उससे ब्लड के निशान मिटा सके, और जब वो मैट्रेस को उठाकर नीचे देखती है तो वहां पर जलने के निशान होते हैं, जिससे उस मैट्रेस पर एक आकृति बनी होती है। इसके बाद वो अपने भाई बहनों के मैट्रेसेस को भी देखती है, जिनके मैट्रेसेस के नीचे भी इसी तरह के जलने के निशान होते हैं। इस बात से वो घबरा जाती है और एक बार फिर से वो स्कूल की नन के पास जाती है, जिसे सिस्टर डेथ भी कहा जाता है। वो उसे सब कुछ बताती है। सिस्टर डेथ कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी इसी तरह के साए दिखते थे, जिनसे मैं बहुत ज्यादा डर जाया करती थी, इसीलिए मैंने अपनी आंखें फोड़ दी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं उन्हें आज भी देख सकती हूँ। और अगर तुम उस बुरी स्पिरिट से अपने आप को और अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो एक बार फिर से तुम्हें वीजा बोर्ड से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना होगा और वो काम पूरा करना होगा जो पिछली बार तुमने अधूरा छोड़ दिया। तुम्हें इस बार स्पिरिट को गुड बाय कहना होगा, जिससे वो अपनी दुनिया में चली जाएगी। और अब वेरोनिका को समझ में आ जाता है कि किस तरह से वो उस बुरी स्पिरिट से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकती है। इसीलिए वो उस पार्टी में जाती है जहां पर उसकी वो दोनों दोस्त होती है, जिनके साथ उसने पिछली बार वीजा बोर्ड से दूसरी दुनिया का रास्ता खोला था। वो उनसे मदद मांगती है, लेकिन वो उसके साथ अब इस काम में नहीं आना चाहती। और तभी वो लड़की जिसके कान में वेरोनिका ने कुछ कहा था, वो बताती है कि तुमने कहा था कि मैं 5 दिनों में मर जाऊंगी। और वेरोनिका वहां से वापस अपने घर आ जाती है और वो किसी भी कीमत पर उस बुरी स्पिरिट से छुटकारा पाना चाहती है, अपने परिवार को बचाना चाहती है। इसीलिए वो तय करती है कि इस बार वो अपनी फ्रेंड्स के बदले अपनी सिस्टर्स को वीजा बोर्ड के सामने बैठाएगी और उसे एक्टिव करने के बाद वो उस बुरी स्पिरिट को गुड बाय कहेगी, जिससे वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाएगी। वो अपने छोटे भाई एंटोनिटो को किताब में पवित्र सिंबल दिखाती है और कहती है कि इसे घर की दीवारों पर बना दो। एंटोनिटो उस पेज को पलट देता है। दरअसल ये उससे उसी बुरी स्पिरिट ने करवाया होता है जो इनके घर पर है। और एंटोनिटो पवित्र सिंबल बनाने की बजाय दूसरे सिंबल को बना देता है, जिससे कि बुरी शक्तियां घर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। अब वेरोनिका को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से वीजा बोर्ड को जोड़ती है जो पिछली बार फट गया था, उसके ऊपर कांच के गिलास को रखती है और अपनी सिस्टर्स को आमने सामने बिठाती है। ये तीनों के तीनों गिलास के ऊपर अपनी उंगलियां रखते हैं, जिस तरह से इन्होंने पिछली बार रखी थी, और अब ये दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलते हैं और उस बुरी शक्ति को, उस बुरी स्पिरिट को गुड बाय कहते हैं।
पर वो स्प्रिट इन्हें गुड बाय कहने से मना कर देती है। इसके बाद कैंडल्स बुझ जाती है और जो गिलास वीजा बोर्ड के ऊपर होता है वो अपने आप ही लुढ़क कर दरवाजे के पास चला जाता है। घर की सारी लाइट्स भी बंद हो जाती है और अब वेरोनिका बहुत ज्यादा डर चुकी है, इसीलिए पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे भाई की जान खतरे में, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत हुई थी जब वेरोनिका ने पुलिस को कॉल करके अपने घर पर मदद के लिए बुलाया था। अब वेरोनिका देखती है कि उसके भाई को उस बुरी शक्ति ने उठा लिया है, वो उसे अपने साथ ले गई है। वेरोनिका अपने भाई को ढूंढने के लिए वॉशरूम में जाती है जहां पर उसका भाई उसे मिल जाता है। वो अपने भाई को गोद में उठाकर अपनी बहनों के साथ नीचे आ जाती है, पर इससे पहले कि सब के सब घर से बाहर निकलते वेरोनिका अपने आप को मिरर में देखती है और देखती है कि उसके हाथ में कोई भी नहीं है, ये सिर्फ उसका भ्रम था। ये देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसका भाई अब भी घर के अंदर है, इसीलिए वेरोनिका को एक बार फिर से घर के अंदर जाना पड़ता है। और जब वो अंदर जा रही होती है तो सभी चीजें गिरना शुरू हो जाती है। वेरोनिका क्लोसेट में पहुंच जाती है जहां पर उसका भाई छुपा हुआ होता है। वेरोनिका उसे अपने साथ चलने को कहती है लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। और तभी वेरोनिका अपने आप को टूटे हुए शीशे में देखती है, शीशे की दूसरी तरफ उसे काला साया दिखता है। वेरोनिका को समझ में आ जाता है कि इसी साय ने, इसी बुरी स्प्रिट ने उसके शरीर पर कब्जा किया है और आज तक उसके घर में जो भी घटनाएं हुई है, जितनी बार भी उसके भाई बहनों पर, उसके परिवार पर हमला हुआ है, वो खुद उसी ने किया है। उसका दिल, दिमाग, शरीर उस बुरी आत्मा के कब्जे में है, इसीलिए कभी उसे इस बात का पता नहीं चला, पर अब वो इस बात को जान चुकी है। इसीलिए वो जानती है कि जब तक वो खुद को नहीं मारेगी तब तक उसके परिवार को इस बुरी स्प्रिट से छुटकारा नहीं मिलेगा, इसीलिए वो अपने आप को मारने की कोशिश करती है। लेकिन वो स्प्रिट उसे रोक लेती है और हवा में उठाकर उसे टॉर्चर करना शुरू करती है। और ठीक इसी वक्त पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं। वो वेरोनिका की ऐसी हालत देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि वो हवा में उड़ रही होती है, वो तड़प रही होती है और अगले पल वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद वेरोनिका को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं घर में डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और तभी वेरोनिका की फोटो में अपने आप ही आग लग जाती है। ठीक उसी पल उसे कॉल आता और बताया जाता है कि वेरोनिका की मृत्यु हो गई है। डिटेक्टिव को इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। अगले 5 सालों तक उसे समझ नहीं आता कि किस तरह से वो इस केस को एक्सप्लेन करे। और 5 सालों बाद वो वेरोनिका की केस की फाइल में लिखता है कि ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केस था। इसके बाद इस केस को बंद कर दिया जाता है और उसी केस की फाइल के आधार पर इस फिल्म को बनाया गया है। तो ये थी एक सच्ची कहानी फिल्म वेरोनिका की। ये फिल्म ईयर 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।